अटर दूर था जा रहे जरा दूर। जब तक उन्हें अवेयरनेस नहीं आता ला रहे फेंक दे रहे। ये देखो कितना गंदा हो रहा सब। अब देखो जानवर मरा ही ऐसा पकड़ पकड़ को जा रहे। देखो वेलकम टू आवर चैनल्स रियल रिपोर्ट फॉर न्यूज एंड 7News24। अभी हम यहाँ पर नवी कुरैशी साहब के साथ ठहरे हैं और इनका कहना है कि जो CMC की गाड़ियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस मोहल्ले में कचरा भर रहा है और कूड़ा बहुत ज़्यादा फैल रहा है और यहाँ पर स्कूल्स हैं, स्कूल के बच्चे और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस बारे में आइए जानते हैं नबी कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कर्नाटक कॉलेज है, मौलाना आज़ाद है, कैम्ब्रिज स्कूल है, फिर बोले तो मुस्तैदपुरा गवर्नमेंट स्कूल है। कम से कम 4000 बच्चे यहाँ तालीम पढ़ते हैं और उसके बाद है ना 3 साल से म्यूनसिपालिटी वाले जो गंदगी फैलाए हैं वो गंदगी से जो माहौल चरा है, कोरोना ऐसे कई बीमारियां अब आज ये दौर में वो जिंदा हो गए। उसी लिए हम लोग क्या करें कि भाई ये जो CMC वाले जो काहली से जहां बोले वहां कचरे का डम कर रहे हैं और जहां बोले वहां गंदगी फैला रहे हैं और म्यूनसिपालिटी इस वक्त तो नाकारा हो गई। सर अभी ये 3 साल से जो गंदगी यहाँ फैल रही है तो जब अब तक 3 साल से आप कुछ कम से कम है ना यहाँ के कॉलेज वाले कई बार एप्लीकेशन दिए, कई बार धरना दिए, हर चीज़ कर रहे, यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो गए। कितने बार हुआ होगा ऐसा धरना? और ये मैं आज क्या करा, यहाँ पे एक बच्चे को टक्कर हो गई, फिर यहाँ पे जो बच्चे जा रहे थे छोटे मोटे, तो गरीब बच्चे जो 2-4 साल के बच्चे भी है ना गाड़ियाँ से उधर से, ये हाईवे रोड है, यहाँ पे कचरे का जो डम कर रहे हैं एक गंदगी है, ये 2 साल से ब्रिज टूट गया है, पूरा कचरा देखो ये कैसा हो रहा है, पूरा कचरे की हालत देखो, यहाँ की गाड़ियों की हालत देखो, यहाँ पे क्या घंटों से गाड़ी नहीं आती, रोड पे गाड़ियाँ ठहरे हुए जाती, इसीलिए यहाँ पे गंदगी से और यहाँ के कचरे के डम से यहाँ के स्कूलों को, यहाँ की महिला की, यहाँ की पब्लिक को बहुत तकलीफ है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ साहब कैसे हुआ, कचरा कैसे हुआ? क्या हुआ, उधर से बस आ रही थी, वो बस को हटने के बाद दूसरा गाड़ी वाला बच्चे को मार दिया, मारने के बाद वो बच्चे को दवाखाने लेके बाद पब्लिक जमा हो गई, यहाँ पे कचरा नहीं होना, यहाँ से टक्कर भी हो रही और गंदगी फैल रही बोल के पब्लिक और सारे लोग मिलकर एक कर्नाटक का जो वाले 144 है पब्लिक को नहीं जमा करना, 144 खत्म होने के बाद हम म्यूनसिपालिटी पे और ये कचरे के डंप पे एक्शन लेंगे बोल को तय किया गया है। ये तुम्हारा 144 का लागू खत्म होने के बाद हम लोग बड़े पैमाने पर एक गंदे पूरे बिदर की गंदगी में और पूरे बिदर में म्यूनसिपालिटी जो नाकारा हो गई उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। अभी 3 साल से आप एक्शन ले रहे हैं और आप एहतजाज कर रहे हैं इस मामले में, तो म्यूनसिपालिटी अब तक नहीं जाएगी तो साहब वो ये कोरोना के बाद में पब्लिक है ना इस बारे में आई नहीं और कभी भी है ना इधर देखी नहीं। अब पब्लिक क्या नहीं, अभी पब्लिक अवेयर हो गई है, पब्लिक में क्या शऊर आ गया है कि गंदगी नहीं होना बोल के जमा हो रहे, ये 144 खत्म होने के बाद हम लोग ये रोड बंद करेंगे और यहाँ की गंदगी साफ करके म्यूनसिपालिटी कमिश्नर पे और म्यूनसिपालिटी स्टाफ जो काम करा उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी निगरान रखे एक्शन लेंगे। सर ऐसा यहीं पे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इलाकों में भी, बिदर के बहुत ज़्यादा मोहल्लों में भी ये शिकायतें देखी गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो साहब बिदर के अंदर कोई म्यूनसिपालिटी के लोग खाली लूटम लाटी में तोड़ी में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट की तरफ नहीं लगे हुए हैं और जहाँ भी काम हो रहा है यहाँ पे पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए। जब तक हम म्यूनसिपालिटी वालों को टैक्स भरते लाखों रुपए इंटरेस्ट के साथ, जब हमारे एरिया हमारे रोड और हमारे गंदगी ने हमारा एरिया साफ नहीं हुआ तो हम टैक्स भरने का मकसद क्या है? तो मौजूदा हुकूमत की भी कुछ गलती हो सकती है? मौजूदा हुकूमत तो हर तरह से नाकारा हो गई है और नाकाबिल ये हो गई है उन्होंने और हम सियासी मामले में अगर रहेंगे तो रोज़ एक झगड़ा होता है। हम पब्लिक के भलाई के लिए और गंदगी साफ करने के लिए पब्लिक डेवलपमेंट के लिए अवामी लड़ाई लड़ना है। तो अवाम इसका जिम्मेदार MLA साहब को भी मान रही है, क्या करेंगे आप? देखो साहब यो MLA साहब का काम है स्टाफ को और ये डेवलपमेंट को लेके चलना। MLA साहब है ना कभी भी कोई भी बात अगर ऑफिसर को करेंगे तो उनकी बात रिप्ले ऑफिसर दे रहा नहीं, उसी लिए हमारा बिदर ये हालत पर आगे बैठा सो है। अगर हमारा MLA अगर टाइट होता तो गंदगी भी साफ होती थी, आने वाले हालात भी सुधरते थे। हर टाइम नए नए इशू आ रहे हैं, हर टाइम अगर बात करेंगे तो तुम्हारे चैनल पे रोज़ एक इशू पे बात करना पड़ता है। हम हमारे डेवलपमेंट और गंदगी के बारे में, बिदर साफ करने के बारे में, स्वच्छ भारत स्कीम के तहत काम होना बोल के हम ये उम्मीद से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कमिश्नर के ऊपर और म्यूनसिपालिटी के ऊपर घेराव करके एक गंदगी का सफाया करेंगे, नहीं तो पब्लिक के ऊपर छोड़ देंगे, पब्लिक जो एक्शन लेते हैं लेन दें। इंट्रोडक्शन, मैं मोहम्मद नबी कुरैशी, ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश स्टेट प्रेसिडेंट और मैं JDS का एक सोशल वर्कर भी हूँ।